नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी यूट्यूब चैनल में। तो कहानी का विषय है दो सिर वाला पक्षी। आइए शुरू करते हैं कहानी। किसी बगीचे में भरंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। उस पक्षी के दो सिर थे पर पेट एक ही था। एक बार वह पक्षी घूमते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां पर उसने समुद्र के किनारे जो समुद्र की लहरों ने उस फल को किनारे पर फेंक दिया था, वह अमृत समान मधुर फल को देखकर उसने उठा लिया और उसका स्वाद चखा। उसका स्वाद बहुत ही मीठा था। उस फल को खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा यह फल है, मैंने आज तक इतना मीठा फल नहीं खाया, न जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो उसने भी फल को खाने की इच्छा प्रकट की और उसने पहले वाले मुख से कहा, भाई थोड़ा मुझे भी चखने को दे दो। पहला मुख हंसकर के बोला, तुझे क्या करना, हमारा पेट तो एक ही है, वह उसमें चला ही गया है, उससे तृप्ति तो हो ही गई, और क्या करना। यह कहने के बाद उसने बचा हुआ फल अपनी प्रेमिका को दे दिया। वह फल उसकी प्रेमिका ने खाया तो वह भी उस फल की तारीफ करने लगी कि वाह कितना मीठा फल है, मैंने आज तक इतना मीठा फल नहीं खाया। दूसरे मुख को ये सारी बातें सुनकर उसको बहुत क्रोध आया और वह मन ही मन उसे बदला लेने की सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विषैला फल ले आया और पहले मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख यह विष फल मुझे मिला है और मैं इसे खाऊंगा। पहले वाले मुख ने आग्रह किया कि तुम इसको मत खाओ, मूर्खों जैसी बातें मत करो, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के मना करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने उस फल को खा ही लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। दोस्तों सची कहा गया है, संसार में कुछ काम ऐसे भी हैं जो अकेले नहीं करना चाहिए। अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच से जगकर अकेले जाना ठीक नहीं है। लंबे मार्ग पर अकेले जाना नहीं चाहिए। संकट विषयों पर अकेले नहीं सोचना चाहिए। ना कि ऊपर बताए गए प्रथम मुख की तरह अकेले ही फल का स्वाद लेने से हानि ही होती है। इसीलिए हम सबको मिलकर के कार्य करना चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।